9 जनवरी और 2022 को पहली बार चर्च में आया था, तो उस टाइम मेरा पेट बहुत ख़राब था जी। हम काफ़ी देर नीचे बैठे रहे, जैसे 7:30 बजे आ गए थे जी। तो जैसे मैं चर्च में आया, मेरा पेट एकदम ठीक हो गया जी। और रसोई में बिल्कुल भी आशीष नहीं थी जी, हफ्ते हफ्ते में सब्जी आती थी जी। अब बिल्कुल आराम है जी, 1 महीने में पूरा आराम है जी। अब जनवरी में आए थे? हाँ जी, हाँ जी, 1 महीने के अंदर अंदर। हाँ जी, हाँ जी, आपको प्रभु ने ब्लेस किया। हाँ जी, तो रसोई में क्या होता था? रसोई में सब्जी बिल्कुल भी नहीं आती थी जी। अच्छा, 10-10 दिन में आती थी जी। अच्छा, सब्जी भी नहीं आती थी? हाँ जी, हाँ जी, इतना बुरा हाल था जी। मतलब ऐसा हुआ कि गरीबी हो गई? हाँ जी, हाँ जी। और घर में रसोई के अंदर सब्जी भी आपको लानी मुश्किल हो गई थी? हाँ जी, हाँ जी। जैसे कोटे पे से कणक लाते थे जी, उसको चक्की वाले को बोलते थे भाई पिसाई काट ले, हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। इतना आटा जो पिसाते थे, हाँ जी, उसके पैसे भी नहीं थे, हाँ जी, पिसाई देने के। हाँ जी, तो आप कहते थे भी जो गेहूं दी है उस गेहूं को काट लो, आटा काट लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और तो मेरे नानी यहाँ पे मेरे को लेके आए है जी, उन्होंने बताया जी मेरे को। फिर जी जैसे मैं बोलिया भाई मेरा फर्क तो पड़ता नहीं, मैंने बहुत जगह इलाज करवाया है जी, मौलवियों से, सियाणों से, पंडितों से जी, कोई इलाज नहीं हो सकता जी। आप बस यही है भाई, कमाए जाओ, सियाणे को दे जाओ, कोई आराम नहीं आएगा भाई, कहीं भी फिर लियो चाहिए आप जी। हाँ जी, तो काफी तांत्रिक के पास गए, सियाणों के पास गए, इधर उधर गए, कहीं से आराम नहीं आया? नहीं आया जी। और जैसे ही आप आए, हाँ जी, हाँ जी, 1 महीना हो गया आपको, हाँ जी, तो आए और प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दी आपको? हाँ जी। घर में अब आशीष है? हाँ जी, बिल्कुल है जी। रसोई में? हाँ जी। और जी मेरी ये सिर की रगियां दुखिया कर दी जी, सिर्फ रात को 2 घंटे नींद आती थी जी, चाहे जैसे 10 बजे सो गया तो 12 बजे जाग खुल जाती थी जी, उसके बाद कोई नींद नहीं आती थी जी। अगर 11 बजे सो गया तो 1 बजे जाग खुल जाती थी जी, उसके बाद कोई नींद नहीं आती थी जी। अब बिल्कुल आराम है जी, प्रभु का धन्यवाद। शांति है मन में? हाँ जी, बिल्कुल है जी। हालेलुया। सो ये हैं सुधीर बंसल, इनका नाम है, और ये भूना से आए हैं, हरियाणा से। प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दी है। देखो कि रसोई में जैसे कह रहे हैं 10-10 दिन के बाद सब्जी आती थी, तो खाना किसके साथ खाते होंगे बेचारे? इतने मतलब कंडीशन, हालात माड़े थे, गरीबी इतनी ज्यादा थी, क्योंकि सब कुछ दुष्ट आत्मा जो उड़ा रही थी, कहीं से इलाज नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही ये पिछले महीने आए, तो अभी दूसरी बार आए हो आप? हाँ जी, दूसरी बार आए हो आज। तो जैसे पिछले महीने में आए थे ये पहली बार, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने ब्लेस किया, प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। 7 तारीख को मैंने एक लोन के लिए अप्लाई कराया जी, तो उन्होंने मेरे कागजों में कमी निकाल के और लोन रिजेक्ट कर दिया जी। अब जैसे हम शुक्रवार को टिकट करवाई जी गंगानगर आने के लिए, उनका अपने आप फोन आ गया भाई आपका लोन पास हो गया, और कल शाम को पेमेंट आ गई जी खाते में। ओके, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो पहले फाइल रिजेक्ट कर दी थी, और जैसे इन्होंने टिकट बुक कराई यहाँ आने के लिए, तो उसी दिन उनका फोन आया कि इनका लोन पास हो गया है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसे मुझे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलवाया, और पहले से मेरे कई दिनों में सिर में दर्द था, इसलिए अब नहीं है, और एक हाथ में दर्द था, परमेश्वर की वजह से मुझे इस दर्द से छुटकारा मिला। थैंक यू, धन्यवाद। तो उस दिन आप पहली बार आई थी ना, जिस दिन दुष्ट आत्मा थी? पहली बार आई थी। आप लेकर आए साथ में? तो क्या हुआ था इन्हें? इन्हें 1 साल से दुष्ट आत्मा का अटैक था, तो इसलिए पहली बार लेके आए थे, तो बहुत लोगों के पास हम इन्हें चेक कराने के लिए गए थे, तो किसी ने 4,000, किसी ने 18,000, बहुत पैसे लगे इनके। तो मैंने इनसे कहा आप चर्च में तो नहीं लगे पैसे? नहीं नहीं, चर्च नहीं, परमेश्वर के घर पे पैसे थोड़ी ना लगते, आप बहुत अच्छे हैं। उस दिन आप लेकर आए थे, मुझे याद है, बीच में संडे नहीं था उस दिन? संडे नहीं था। तो उस दिन अपने इनके लिए प्रार्थना की थी, तो दुष्ट आत्मा थी इसके अंदर, तो प्रभु यीशु मसीह जी ने चंगा किया। हां, चंगा किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। प्रोफेट जी ने जय मसीह दी, सारी कलीसिया जी को जय मसीह की। हाँ जी, मैं 2-3 बारी पहले यूट्यूब पर देखा, फिर उस तो बाद मैं इतने आई, इतने आने तो बाद पिछे ही बहुत सी डरती डरती,
पर परमेश्वर पिता जी ने मेरा हाथ फड़ के अगे कर दिता और मैनू बहुत वड्डी प्रॉब्लम सी जदों दी मैं 14 सालां दी सी और अज मेरी उम्र 45-46 साल है। मेरा 100 तोला सोना भी उड़ चुकया हैगा। 100 तोला यानी कि 1 किलो सोना सी मैं रात नू रख के सोंदी सी तां सवेरे मैनू उत्थे मिलदा नहीं सीगा। और 5 वारी मैं मौत दे मूँह चो निकली हाँ। 10 लीटर डीजल मेरे घरे पिया सी ओ मैं पाया उत्थों बची। फिर मैनू कुछ खवाया गया मैं उत्थों बची। 2 वारी मेरा पेट चीरिया गया मैं उत्थों बची। 1 वारी मेरा एक्सीडेंट हो गया मैं उत्थों बची। मेरे परमेश्वर पिता जी ने मैनू नाल लियाना सी कोल लियाना सी इस करके उन्होंने मैनू बचांदे गए। और मैं अज प्रोफेट जी का जे अपना मतलब कि मैं मेरे को शब्द नहीं है परमेश्वर मेरे आंसू नहीं शब्द परमेश्वर पिता चंगा। 3 साल तो मेरी बेटी मेरे ना विछड़ी हुई सी स्पेन रहती है। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਗਿਫਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ धन्यवाद परमेश्वर पिता तेरे से ऊपर कुछ नहीं है। मैंने बहुत जगह परमेश्वर जी मैं बहुत जगह तक के खाते बहुत जगह कोई जगह नहीं छे कोई जगह नहीं छे। ये मेरे परमेश्वर पिता तुसी मेरा हाथ फड़िया हूँ फड़िया ही रखियो मैं नहीं किते जाना थोड़े बगैर मैं और किते नहीं जाना। मैनू रात की नींद मेरी खराब हो चुकी थी सो जाती सी तो गधे वाली नींद सौंती सी मैं पता ही नहीं दुनिया कितने वसदी है। पर हूँ रात को जो 1 बजे 5 मिनट होंगे मेरा प्रभु मैं उठा लेंदा है मैं आपके पूजा रूम च जाके वे वचना पढ़ मैं यही हाथ जोड़ती हूँ परमेश्वर पिता अगे ये परमेश्वर पिता जिवें तुसी मैनू चंगाई दिती है सारी कलीसिया चंगाई दो। वो 1 साल तो खत्म हो गई असु मसू के लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद ने चंगा किया। हाँ चंगा किया। पत्री कहाँ थी? गुर्दे में पत्री थी। हाँ। तो फिर आप यहाँ चर्च में आए थे? हाँ चर्च में आए 3 बारी आए 4 बारी बस 3 बारी आए कि 4 बारी नहीं 4 बारी आए 4 बारी आए। तो अब पत्री नहीं है? नहीं है। किसने चंगा किया? प्रभु ने प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह